राम राम जी, आज आप लोगों का स्वागत है राजे का ढाबा में। दोस्तों आज हम शेयर करने वाले हैं आगरा का पेठा। बहुत ही कमेंटेड वीडियो है ये। बहुत दिनों से बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे कि दादा जी आगरा का पेठा बनाइए। तो आगरा का पेठा हर कोई बना सकता है और बाजार जैसा का आप जब अपने देख रेख में बनाइएगा आगरा का पेठा तो उससे बहुत ही बढ़िया बनेगा। इसमें दो चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक तो छेदने का, बिल्कुल इसको छेदते छेदते एकदम सॉफ्ट बना देना है, मैं आप आया हूँ वीडियो में। और दूसरा कि इसमें चाशनी हम जब बनाते हैं तो चाशनी बिल्कुल खत्म कर देना होता है। और लगभग इसको बनाने में मतलब छेदने के बाद जब हम चूना मिलाकर पानी में डालते हैं उसके बाद आपको टाइम लगेगा कम से कम एक घंटा से कम नहीं लगेगा। चूना का पानी में डालने के बाद नेक्स्ट दिन बनाए या 10 मिनट 15 मिनट रख के भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत। तो देखिए हम 2 किलो पेठा, 4 किलो का पेठा था, 2 किलो बच गया, उसमें से 2 किलो वेस्ट निकल गया। इसमें 2 किलो चीनी, जितना पेठा लिए उतना चीनी और उससे आधा पानी डाले थे और बनाए थे। देखिए कितना बेहतरीन पेठा बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और टेस्टी तो इतना होगा कि वो तो आप बनाएंगे और जब आप खाएंगे तभी पता लगेगा, बाजार में तो ऐसा मिल ही नहीं सकता। तो चलिए पेठा बनाना शुरू करते हैं। इसको पहले धो लेते हैं हम। ये देख रहे हैं इसमें इतना चूना चूना की तरह है, इसका मतलब कि पेठा बढ़िया से पक चुका है। और उसी पेठे का पेठा बनाए जिसका इस तरह का चूना चूना सफेद सफेद हो जाए, कच्चा पेठे का आगरे का पेठा नहीं बनेगा। तो इसको हम रफली साफ करना है, ज़्यादा नहीं, रफली साफ कर दे बस, क्योंकि हमें इसे छिलका से तो कोई लेना ही देना नहीं है, लेकिन जो मिट्टी लगा है उसको तो ख़त्म कर दें। पेठा को हम धो लिए थे, बढ़िया सूख गया है, अब इसको काट देते हैं। तो काटने के लिए थोड़ा सा तेज हथियार चाहिए, ये देखिए इस तरह से। अब इसी को गोल गोल हम काटेंगे। जब भथुआ पूरा एकदम पका हो ना तभी आगरा का पेठा बनाने में मज़ा आता है, मतलब बढ़िया बनता है। अगर कच्चा देंगे तो फिर मज़ा नहीं आता है, बाद में तो ठीक नहीं लगता है। तो हमने सारा पेठा को तो काट दिया है, अब इसका बीज निकालना है। तो अंदर से इस तरह से गोल 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 करके, बीज इसमें नहीं रहना चाहिए, उस तरह से निकालें, इस तरह से काट के और इसको दबा दें, ये बाहर निकल जाएगा। अब इसमें देखना है कि बीज है कि नहीं है, है तो निकाल दें। तो बीज तो इसको हम छीलने का आसान तरीका है कि इसको हम छोटा छोटा कर देंगे, ये देखो छोटा छोटा पीस काट, ये देखिए हम छोटा छोटा पीस कर दिए हैं, मीडियम साइज का पीस है। आप चाहें तो इसको और भी छोटा बीच से भी काट के आधा आधा भी कर सकते हैं, बड़ा भी रख सकते हैं। अब इसका छीलने का तरीका, ये मतलब ऊपर ऊपर से हमें छिलका हटा देना है, बिल्कुल इसमें ग्रीन पार्ट नहीं आना चाहिए, देखिए इस तरह का। तो इसी तरह आपको रखना है और इसको छील देना है, बस ग्रीन आए तो उसको हटा दें। काटने के बाद इसका ग्रीन पार्ट बाहर का हटा देना है। अब इसको ये तो इस तरह से आप छिलका हटा देंगे, लेकिन इसका आसान तरीका सबसे मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप पेठा में छेद करेंगे। इस तरह का बाजार में मिल जाता है, नहीं तो बहुत लोग बोलते हैं कि उससे हो जाता है, चम्मच होता है उससे हो जाता है। तो ये बाजार में आसानी से मिल जाता है 20 रुपये का, अगर नहीं तो आप फोक से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे टाइम ज़्यादा लगता है। तो ऐसे ऐसे हमें छेदना होता है इस तरह से। तो इस तरह से हम छेदेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है, ये देख रहे हैं इसको छेदने में बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए ये एक को छेदने में इतना टाइम लग गया। तो इससे बढ़िया तरीका है कि जब भी आप काटें इस तरह से तो इस तरह से यहीं से छेदना शुरू कर दें, यहाँ से, ये देखिए। और इधर पलट के भी बाजार में बेचने वाले रेडी वाले या जो कंपनी में बनाते हैं पेठा, वो लोग इससे बड़ा बड़ा, जैसे कि इसमें 5 है 6 है ना, 15-15 का रखते हैं एक ही बार, और बहुत ज़्यादा इसको इस तरह से एक जगह को कम से कम 15-20 बार छेदते हैं। इससे क्या होता है कि इसमें एकदम अंदर तक चाशनी जाती है, और जब हम तोड़ते हैं तो देखते हैं किस तरह से पीस में क्रिस्टल जैसा नजर आता है। जब हम तोड़ते हैं आगरा का पेठा को तो क्रिस्टल नजर आता है, इसके अंदर चाशनी अंदर घुस के पक जाती है। इसको बढ़िया से आप जितना छेद सके उतना छेदें। इसे हम छेद दिए हैं, अब इसका छोटा छोटा पीस कर देंगे। तो इस तरह से भी काट सकते हैं, और नहीं तो इसका बीज पहले निकाल दें। तो हम पहले बीज निकाल देते हैं इसमें, क्योंकि लास्ट वाला है ये, तो इसमें बीज कम होगा। तो जिस तरह से हम पहला पेठा को काटे थे उसी तरह काटेंगे, लेकिन फर्क इतना है कि इसमें छेद हुआ है और उसमें छेद नहीं हुआ। इस तरह से हम पूरा एक पीस में छेद करते हैं तो जल्दी हो जाता है, वैसे पकड़ने में भी दिक्कत होगा और टाइम तो ज़्यादा लगेगा। तो हम इसी तरह से सारा पेठा को छेद कर देते हैं। तो हमारे घर में एक आदमी मेहनती है, उसको बुला देते हैं, वो फटाफट कर देगी, ऐसे 1-2 साल में तो एक बार काम करती है वैसे। देख रहे हैं
इसको फोक से भी छेदा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। हमें इसको इतना छेदना है, देखिए चारों तरफ से इतना छेदना है, देख रहे हैं आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से, ये हार्ड वाले तरफ से भी, मुलायम वाले तरफ से भी, मतलब कोई भी पार्ट इसका छोड़ना नहीं। और छेदने के बाद ऐसा कर देना है कि इसमें से आपको दिखा रहे हैं, देखिए जब छेदने के बाद इसको दबाइएगा पूरा पानी पानी ऐसा निकलेगा। तो इतना हमें छेदना है, बिल्कुल इसको सॉफ्ट कर देना है छेद, तभी आपका आगरा का पेठा बहुत बढ़िया बनेगा। तो देखिए सारा भथुआ को हम छेद दिए हैं, अब छेदने के बाद आपको दिखा रहे हैं, पानी तो ऐसे निकल गया है बिल्कुल, ऐसे जैसे दबा दबा के हम जो छेदे हैं, देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है, कोई भी देखेंगे बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। इस तरह से सॉफ्ट कर दें। अब यहाँ पे हम चूना दिए हैं, लगभग 5 ग्राम होगा ये, 5 ग्राम बस, इससे ज़्यादा चूना नहीं है, और इसको बढ़िया से हम मिला देंगे। तो ये जो हम चूना यूज किए हैं, तो पान तंबाकू जिसमें हम लोग खाते हैं ना, वही चूना है। अब इसको हम बढ़िया से मिला दिए हैं, ये देखिए इसमें, और मिलाने के बाद इसको थोड़े देर के लिए बैठने देंगे हम, जो कि नीचे का अगर कंकड़ पत्थर होगा तो निकल जाएगा और चूना इसमें चला जाएगा। देखिए अब इसी में हम पानी डाल देंगे। चूना क्यों डालते हैं? चूना इस वजह से डालते हैं हम चूना पाक बनाने के लिए कि ये होता है थोड़ा खट्टा, अगर सब्जी आप बनाइएगा इसका तो खट्टा खट्टापन ये काट देता है, तो इस वजह से हम लोग चूना में डाल। और एक बात और बता दूं आपको कि जब भी चूना बनाए तो स्टील के बर्तन में बनाए, नहीं तो बर्तन खराब हो जाता। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए सोक करेंगे, ज़्यादा देर के लिए नहीं, मुश्किल से 15 मिनट से आधा घंटा के लिए बस, बहुत। हम लोग तो वैसे 10-12 घंटा रख दिए हैं, लेकिन कम समय अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो ये देखिए हम पेठा को काट के चूने के पानी में रख दिए थे, और आप लोगों से बोले थे कि 10-20 मिनट में इसको हम निकाल लेंगे, लेकिन कल टाइम नहीं मिल पाया, तो उसके वजह से हम लोग इसको रात भर रखे थे पानी। देखिए इसका कलर कैसा हो गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जितना ये चूने का पानी है ना, इस तरह से दबा दबा के बढ़िया से इसको एक जगह रखते जाएंगे पानी में, और इसको 3-4 पानी हम धो देंगे ताकि इसमें थोड़ा भी चूना का पानी का नाम ना रह जाए। इस तरह से उठाएंगे पूरा पानी निकाल देंगे। तो पोत के रख देते हैं इसको और इसी में पानी डाल देते हैं। और ये जो भथुआ को हम बढ़िया से धो रखे हैं, इसको उठा देते हैं और इसको भी इसी में डाल। ढक देते हैं, इसको हमें उबालना है। हाँ तो इसको 8-10 मिनट हम इसको उबाल लेंगे, तो हम ढक दिए हैं 10 मिनट लगभग इसको उबालेंगे। तो ये देखिए हमारा भथुआ कैसा हुआ, आपको दिखा देते हैं, एकदम सफ़ेद हो गया है। और इसे हमें 10 मिनट पकाना था, लेकिन अभी अभी उबाल आया है इसमें, और 4-5 मिनट इसको पकाएंगे और उसके बाद इसको उतार दें। तो इसे हम 10 मिनट पका लिए हैं, अब इसको निकाल देते हैं। तो जो हमारा पेठा उबल गया था उसको तो निकाल लिए हैं, अब एक कढ़ाई बैठा देते हैं, इसी में डालेंगे हम 1 लीटर पानी। अब इसी कढ़ाई में हम पानी के साथ डाल देते हैं फिल्टर चीनी, अगर फिल्टर चीनी ना हो तो फिर उसमें गंदगी निकलता है, तो 2 किलो चीनी डालेंगे हम। चीनी को हम चला देंगे और चीनी को हम बढ़िया से घुलने देंगे, पहले चीनी को घुला देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि चीनी फिल्टर है तो बिल्कुल इसमें कचरा नहीं है। अगर इसमें कचरा होता है आपका चीनी अगर फिल्टर नहीं हो, तो थोड़ा सा दूध डाल के इसका कचरा साफ़ कर दें। चीनी हमारा घुल गया है, ये देखिए बिल्कुल घुल गया है चीनी। तो यहीं पर हम डाल देंगे भथुआ को जो उबाल के रखे हैं, इसी में हम भथुआ को डाल देते हैं।
तो इसे चला लेते हैं और इसे जब तक पकाना है जब तक इसकी चाशनी चिपचिपी ना हो जाए, थोड़ा टाइम लगेगा। आँच तेज कर देंगे क्योंकि इसमें से भी भथुआ में भी पानी है इसमें, तो पानी छोड़ेगा तो बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा। इसको ढक के और पकाएंगे बढ़िया। देखिए कितना पानी ये छोड़ दिया है, अभी बिल्कुल इसकी चाशनी है वो बिल्कुल एकदम पतली हो गई है। तो इसे हमें टिपी चाशनी बनानी है। तो लगभग 10 मिनट पकाते हुए हो गया है, कम से कम और 15 मिनट और रहेगा तब इसका पानी सूख जाएगा, तो चिपचिपी चाशनी हो जाएगी तब आपको। तो देख रहे हैं किस तरह से पक रहा है, इसे तो लगभग 20 मिनट हो गया पकते हुए और कम से कम 15-20 मिनट और पकेगा, मैंने आधा घंटा से ज़्यादा ही लग जाता है इसको पकने में इस तरह पकेगा तो। अब देखिए पहले हमारा चाशनी यहाँ तक था, अब बहुत हद तक यहाँ आ गया है, अभी इसमें 10-15 मिनट और लगेगा पकने में। अभी चाशनी इसकी देखिए अभी पतली है, चिपचिपी चाशनी नहीं हुई है, अभी चिपचिपी नहीं हुई है। और इसको 15 मिनट पका देते हैं फिर आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून पानी लिया और इसमें थोड़ा सा सेफ्रॉन डाल रखे हैं केसर, इसमें आज हम केसर वाला बनाएंगे आगरे का पेठा। अब पेठा बनने के कगार पे आ चुका है, इसको 30 से 40 मिनट हो गया है। अगर इसमें कोई भी कुछ आप नहीं डालते हैं तो भी ये कलर खराब नहीं है, इस तरह से भी सादा पेठा भी बनता है, तो इस तरह भी आप पेठा खा सकते हैं। लेकिन हम सोचे कि थोड़ा सा इसको सुनहरा कलर बनाएंगे, तो आप सिंपल भी बना सकते हैं इसको गोल्डन कलर, सुनहरा कलर देने के लिए ये जो सर हम डाल देते हैं इसी में और जला लेंगे, तो देखने में बढ़िया लगेगा और खाने में तो बढ़िया लगेगा, जो दिखता है वही दिखता है आपको पता ही है। इसको एक बार लेंगे और बस थोड़ा सा पानी मैंने सेफ्रॉन का भी डाल दिया है, इस वजह से ये 2-4 मिनट और लग, नहीं तो ये हो चुका था। तो आप बिल्कुल सेफ्रॉन जब डालें तो बिल्कुल कम पानी। हम आपको बता दें कि ये लगभग 4 किलो का पेठा था, तो आधा से ज़्यादा वेस्ट निकल जाता है, तो मान के चलिए कि कम से कम 2 किलो ये बचा हो। तो इसमें हम 2 किलो चीनी डालें और 1 लीटर पानी डालें, जितना चीनी डाले थे उससे आधा पानी डाले थे। पानी तो आप कम डाल के भी जल्दी पका सकते, लेकिन इसको ज़्यादा देर पकाना होता है ताकि अंदर तक इसमें का जो पानी है वो बाहर निकल जाए और जो चाशनी है वो अंदर अब्जॉर्ब कर ले, तभी तो ये लगे खाने में लगता है थोड़ा हल्का हल्का क्रंची जैसा लगता है ना, तभी ये लगता है। इसको हम और 2-3 मिनट पका के और फिर आपको दिखाते हैं। इसको बढ़िया से चारों तरफ से हम चला लेंगे, तब देखिए बिल्कुल इसमें से चाशनी खत्म हो गया है, नाम मात्र की चाशनी है, लेकिन चिपचिपी चाशनी तो हो गई है बढ़िया एकदम। ये देखिए पूरा चिपचिपी चाशनी हो गई है, लेकिन थोड़ा सा और इसको 2 तार की चाशनी बनेगी लास्ट में एकदम। देखिए चूल्हा हम लोग एकदम बंद कर दिए हैं, वही जो आग है उसी से गैस पे बना रहे हैं, एकदम लो फ्लेम पे करके छोड़ दे और बिल्कुल जब नीचे 2 तार की ये वाली चाशनी 2 तार की बन जाएगी तो आप इसको निकाल दें। तो देखिए अब चाशनी आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल ही 2 तार की चाशनी बन चुकी है और इसमें नाम मात्र का चाशनी बचा हुआ है। दोबारा से बोलना, देख रहे हैं इसमें जो चाशनी बची हुई है वो 2 तार की चाशनी हो चुकी है, इसमें चाशनी सारा खत्म हो चुका है, थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा रहता ही रहता है। बची हुई थी उसको भी हम लोग 2-4 मिनट और पका लिए हैं, इससे ये होता है कि ये बाद में जब आप रखेंगे तो इसमें से पानी कम छोड़, मतलब पानी नहीं छोड़ता है। तो ये हमारा बिल्कुल नीचे से चाशनी खत्म हो चुका है, देखिए चाशनी बिल्कुल ही नहीं है नीचे, देखिए बिल्कुल चाशनी खत्म है तवे में। तो बस अब इसको निकाल लेंगे और निकाल के हवादार जगह में रख के सुखाएंगे। तो अब निकाल लेते हैं इसको, तो देख रहे हैं ना कितना बेहतरीन देखने में लग रहा है, ट्रांसपेरेंट। तब इसे निकाल लेते हैं और निकाल के एक बड़े बर्तन में रखते जाएंगे इस तरह से, इसको खुला खुला में रखेंगे इस तरह। इसको एकदम खुला खुला कर देंगे ताकि ये बाद में चिपके नहीं, ये हवा लगने के बाद बिल्कुल ये सूख जाएगा बढ़िया। अगर आपको ज़्यादा दिन तक पेठा को रखना है तो इसको बढ़िया से सुखा लें, और अगर फटाफट खा जाना है तो 2-4 घंटा हवा लगा के खाना शुरू कर दें और रख दे, 2-4 दिन में खा पी के इसको ख़त्म कर दे। कढ़ाई में चीनी बिल्कुल चिपक जाता है, इसमें हम पानी डाल देंगे और बस थोड़ी देर में ही कढ़ाई आपका एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा, नहीं तो बाद में आपको धोने में बहुत झंझट होगा। ऊपर से जो केसर के लच्छे बचे हुए थे वो लगा देते हैं, तो देख लीजिए अब कढ़ाई भी हम साफ कर दिए हैं। देखिए हमारा पेठा भी तैयार है,
इसको एक दिन लग जाता है, हवादार जगह में रखेंगे एक दिन के बाद इसको आप खा भी सकते हैं, या तो आप दो तीन दिन सुखा के, अगर ज़्यादा दिन रखना है आपको तो दो तीन दिन सुखा के आप स्टोर भी कर सकते हैं, जैसे आपका इच्छा करे। तो एक आपको तोड़ के दिखा रहे हैं कि ये कितना रसीदा है, देख रहे हैं ना, बिल्कुल रस से भरा पड़ा है। देखिए ये तो हम लोग तो बहुत पहले ही खा चुके हैं इसमें से, लेकिन आपको खिला के और दोबारा टेस्ट करके बताते हैं कि कितना बढ़िया बना हुआ है ये। तो सबसे पहले आप लोग खाइए और इसमें जो हम केसर का फ्लेवर डाल रखे हैं ना, पूरा ही केसरी फ्लेवर का हो गया है, इतना स्वादिष्ट बना है कि आप लोग एक बार घर पर जरूर बनाइएगा। तो इसे हमें हवादार जगह में जब भी सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना है, हवादार जगह में सुखाना है, पंखे के नीचे कहीं खुले जगह में रख के, जहाँ धूल मिट्टी ना जाए वहाँ, और इसको सुखा दें। तो हमारा ये पेठा की रेसिपी आपको कैसी लगी? बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें, और हमें आप लोगों के लिए क्या क्या बनाना है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताते रहें। हमें फेसबुक पर जरूर फॉलो करें, हमारा आईडी है दादाजी का ढाबा। तो हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी।